हेलो, वेलकम टू गेट एक्सेलेंस। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 2016 और सेट 2 के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस को, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और मेनली बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, जो सेट 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एज एक्स वेरीज फ्रॉम -1 to +3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू x³ - 3x² + 1। ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, ए एफ एक्स इंक्रीज मोनोटोनिकली, बी दे रखा है एफ एक्स इंक्रीजेज then decreases and increases again, third option दे रखा है fx decreases then increases and decreases again, d option दे रखा है it increases and then decreases। यानी कि एक function दे रखा है और उसका range दे रखा है हमारे पास -1 से 3 के बीच में। अब इसमें से कौन सा best behavior है जो इस function को describe कर रहा है? तो इस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा, जहां से हम इस फंक्शन के वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेंगे और उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे वो डिसाइड करेगा कि फंक्शन की वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो चलिए इस फंक्शन को हम लिख देते हैं वापस से। एफ एक्स दे रखा है हमारे पास x³ - 3x² + 1। अगर हम इसका एफ डैश एक्स निकालें, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 3x² - 6x + 0, और इसको हम इक्वेट करेंगे जीरो से, तो ये क्या आ जाएगा 3x² - 6x = 0। और यही अगर हम 3x कॉमन ले लें तो x - 2 = 0, या फिर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 और 2। तो ये 0 एंड 2 क्या है हमारे लिए? ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि वेदर द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हमारे पास क्या रखा है, x की रेंज दे रखी है -1 से 3 तक। तो x की रेंज -1 से 3 तक, यानी कि x की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, -1, 0, 1, 2 और 3। अब इन सारे वैल्यूज पे हमें फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू चेक करनी है और फिर डिसाइड करना है कि इसमें से कौन सा हमारे पास ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। तो अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं तो ये हमारे पास बेस है जहां पे हम डिसाइड करेंगे कि वेदर जो एफ एक्स की वैल्यू आई है वो इस वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, या ज़्यादा से कम वेरी हो रहा है या कम से ज़्यादा जा रहा है, तो डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले एफ माइनस वन पे वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं फंक्शन रखता हूँ यहाँ पे एफ ऑफ -1, तो इसके अंदर एक्स की वैल्यू -1 रखना है, तो -1 की पावर 3 - 3 - -1 रेज़ द पावर 2 + 1। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आप देख सकते हैं, -1, ये आ गया -3 और +1, तो ये आ रहा है हमारे पास -3। सिमिलरली एफ ऑफ हम निकालते हैं f(0), तो f(0) हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ x की जगह 0 रख देंगे तो 0 - 0 + 1, ये हमारे पास क्या आ रहा है, हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू 1। फिर आ रहा है f(1) पे क्या आ रहा है हमारे पास वैल्यू 1 - 3 + 1, ये हमारे पास आ जा रहा है -1। 1 + 1 = 2, 2 - 3 - 1। फिर हम ले लेते हैं f(2) वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 2 ले रहे हैं तो देखिए x की जगह 2 रखेंगे तो 2³ हो जाएगा हमारे पास 8 - 3 * 2² = 4, 4³ = 12, फिर +1 तो आ रहा है 9 - 12 = -3।
फिर एफ ऑफ थ्री रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 3 9 9 3 27 माइनस 3 × 3 इज 9, 9 माइनस 9 × 3 27 यहाँ भी आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास प्लस 1, तो ये क्या आ रहा है प्लस 1। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ रही है जब हम x की वैल्यू माइनस 1 से प्लस 3 तक जा रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस 3 से माइनस 1 से प्लस 3 तक जाने के लिए सबसे पहले ही क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें माइनस 3 से 1 गया तो इसका मतलब ये हमारे पास चेंज क्या आया, पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग हो रहा है फंक्शन। माइनस 1 से 0 तक गए तो इंक्रीजिंग है, फिर 0 से 1 गए तो ये देखिए हमारे पास 0 से 1 गए तो हमारे पास डिक्रीजिंग है, एंड देन अगेन वापस देखिए माइनस 1 से माइनस 3 वापस डिक्रीजिंग है, तो यानी पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद वापस फंक्शन 2 से f2 से 3 गए, यानी x की वैल्यू 2 से जब 3 गए तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस 3 से पॉजिटिव 1 आ रहा है यानी प्लस के अंदर, तो ये इंक्रीजिंग है। तो फंक्शन क्या होगा, ये हमारे पास इंक्रीजिंग हो गया, ये हमारे पास डिक्रीजिंग हो गया, और ये हमारे पास वापस इंक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर सबसे पहले ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है और फिर वापस इंक्रीज हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, एफ एक्स फर्स्ट इंक्रीजेज, तो यहाँ देखिए इंक्रीजिंग है एंड देन डिक्रीजेज, तो ये रहा डिक्रीजिंग है और ये हमारे पास वापस इंक्रीजेज, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि पहले इंक्रीज हो रहा है उसके बाद वापस डिक्रीज हो रहा है और वापस इंक्रीज हो रहा है विद इन द रेंज माइनस 1 to 3। तो ये था हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन जिसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट हम 0 और 2 लें तो दोनों को हम यहाँ पे देख सकते हैं, 0 लें तो माइनस 3 से 1 के अंदर 0 और 2 दोनों को क्रॉस कर रहा है इसलिए हमने इसको इंक्रीजिंग लिया, फिर 1 से माइनस 1 के अंदर देखिए 0 को क्रॉस कर रहा है तो डिक्रीजिंग लिया, माइनस 3 के अंदर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन डिक्रीज हो रहा है 1 से लेके माइनस 3 तक, तो हमने डिक्रीजिंग ले लिया, वापस 3 से माइनस 3 से प्लस 1 जा रहा है यानी कि ये 0 को क्रॉस कर रहा है तो उस समय हमने इंक्रीजिंग ले लिया। तो ये फंक्शन डायरेक्टली इस पे बेस्ड है और इसके हिसाब से हमारे पास जो ऑप्शन है बी करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइज द इक्वेशन साइन x इक्वल्स टू x अपॉन 2 वेयर x इज इन रेडियंस। ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 और डी ऑप्शन दे रखा है 4 और मोर। तो इसको जस्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, x कितने वैल्यूज हैं तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक साइन वेव बनाते हैं, जो क्योंकि हमारे पास साइन x फंक्शन दे रखा है, तो ये पॉजिटिव हाफ बना दिया हमने और ये नेगेटिव हाफ बना दिया हमने, कंसिडरिंग 0 ये हमारे पास x है और अगर हम y इक्वल्स टू x अपॉन 2 ये हमारा y है, तो पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन को बनाया y इक्वल्स टू साइन x के लिए और अब हम बना रहे हैं y इक्वल्स टू x अपॉन 2 के लिए, तो y अपॉन x y इक्वल्स टू x अपॉन 2 के लिए हम इस टाइप से बना सकते हैं, जस्ट एक एक्सप्रेशन है लाइन का ही है, तो y इक्वल्स टू x बाई 2 ये लीनियर इक्वेशन है, y इक्वल्स टू x बाई 2 आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे एक बार कट करेगा, एक बार यहाँ पे कट करेगा और एक बार यहाँ पे कट करेगा, उसके बियॉन्ड ये कहीं भी और भी पॉइंट को कट नहीं करेगा। तो इस ऑप्शन को बहुत ही ईजिली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो 1, 2 और 3। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हो जाएगा डिस्टिंक्ट वैल्यू सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन एक्स अपॉन एक्स बाई 2 इज 3। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, बस हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें और इन दोनों को प्लॉट करके निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज सी इज द क्लोज कर्व डिफाइंड एज अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1
with C oriented anti-clockwise, the value of closed integral xy square dx plus x square y dx over the curve C equals options दे रखे हैं 2, 0, 3 और infinite. तो हमें इसकी value निकालनी है इस integral की. तो integral के अंदर हमारे पास एक C oriented एक circle दे रखा है इस type सा. इसका जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. अगर हम ध्यान से देखें तो सर्कल है, तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं ये सेंटर, तो हमारे पास इस सर्कल का जो रेडियस है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि आर स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो 1 आ रहा है. बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखिए क्लोज इंटीग्रल के अंदर एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स है प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स है. तो ये जस्ट आपस में कम्प्लीमेंट्री है. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ लेंगे वो ग्रीन थ्योरम का यूज़ करेंगे. ग्रीन थ्योरम का क्या कहता है कि इफ एम इंट क्लोज इंटीग्रल ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल ऑफ डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई. तो अब यहाँ पे m और n क्या है वो फाइंड आउट करना है. तो अगर हम यहाँ पे इसको अज्यूम कर लें m और इसको अज्यूम कर लें n, तो m क्या है हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर और n है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई. और इसको हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले फॉर्मूले में. तो m क्या था हमारे पास, m इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर और n है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई. यहाँ पर देख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई. अब इसको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो फॉर्मूला क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x. तो डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए डेल n अपॉन डेल एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास टू एक्स वाई. अब डेल एम अपॉन डेल वाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एम विथ रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू एक्स वाई. तो दोनों का देखिए डिफरेंशिएशन किया तो टू एक्स वाई और टू एक्स वाई आ रहा है. इसको हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास इस टाइप से आएगा डेल एन अपॉन डेल एक्स की जगह हमारे पास क्या आ गया टू एक्स वाई. तो हमने यहाँ रख दिया टू एक्स वाई माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई, इसकी जगह भी टू एक्स वाई आ रहा है, तो टू एक्स वाई और डी एक्स डी वाई है. तो ये क्लोज इंटीग्रल के ऊपर है. तो यहाँ पे देखिएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू सारी आती है हमारे पास जीरो. तो सॉल्व करने का क्या है, टू एक्स वाई माइनस टू एक्स वाई ये जीरो है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आएगा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी जीरो आएगा और इन दोनों का डिफरेंशिएशन फाइनली हमारे पास आ जाएगा जीरो. तो इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, द वैल्यू ऑफ क्लोज इंटीग्रल एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई ओवर कर्व सी इक्वल्स जीरो. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये क्वेश्चन दे रखा है द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए जीरो थ्री सेवन टू फाइव वन थ्री जीरो जीरो टू फोर जीरो 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 बी हैज़ अ डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू हंड्रेड एंड ट्रेस ए इक्वल्स टू फोर्टीन. द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी मॉड के अंदर है इज फोर फाइव थ्री और जीरो. तो हमें ट्रेस की वैल्यू दे रखी है और डिटरमिनेंट की वैल्यू दे रखी है. तो हमें ट्रेस क्या कहता है, ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स इज सम ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स. तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स इसी के अंदर निकालें, तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, तो ये देखिए ये रहा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, उसे बोलते हैं ट्रेस. तो हम इसको सम कर देते हैं, तो सम के लिए हमारे पास आया ए प्लस फाइव प्लस टू प्लस बी इक्वल्स टू हमारे पास दे रखा है फोर्टीन. तो इसको हमने फोर्टीन लिख दिया. अब यहाँ पे लिख दिया हमने a प्लस बी, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस सेवन इक्वल्स टू फोर्टीन और a प्लस बी इक्वल्स टू फोर्टीन माइनस सेवन विच इज इक्वल्स टू सेवन और a प्लस बी इक्वल्स टू सेवन. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है
इस इक्वेशन को हम एज इट इज छोड़ देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देखिए, अगर रो 5 देखते हैं तो ये 0, ये 0, ये 0 और ई की एलिमेंट है जो नॉन जीरो, तो इसके अक्रॉस अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलिए इसके अक्रॉस डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जब इसके अक्रॉस डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए बी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी इंटू, अब इसके अक्रॉस ओपन करेंगे तो इसके अक्रॉस ओपन करेंगे तो ये हमारे पास देखिए 2 इंटू 5 इंटू ए माइनस 2 इंटू 0, तो ये आ रहा है हमारे पास बी इंटू 10 ए या फिर 10 ए बी। ये वैल्यू हमारे पास दे रखा है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, तो इसको हम 100 से इक्वेट कर देते हैं। तो हमारे पास a इंटू बी इक्वल्स टू आ गया 100 बाई 10 इक्वल्स टू 10 और a b इक्वल्स टू 10, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गया। तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करके हमारे पास दो वेरिएबल हैं, a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पे मॉड के अंदर रखेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हम आंसर कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो सपोज मैं इक्वेशन 1 के अंदर मैं चेंज करता हूँ, b की जगह रख देता हूँ 7 माइनस ए, तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं a इंटू बी की जगह रख दिया 7 माइनस ए इक्वल्स टू 10। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7 ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 10। इसको इधर लाके और साइन चेंज करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 7 ए प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 ए माइनस 2 ए प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आ रहा है वैल्यू, ए माइनस 5 इंटू ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो वैल्यू आएगा, हम ए कॉमन लेंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो a माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास a माइनस 5 और a माइनस 2 आएगा। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एंड 2, दो वैल्यू आई है। अब वैसे ही अब b की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब a की वैल्यू यहाँ पे देखिए, जब a की वैल्यू 5 रखेंगे तो a की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में 5 रखते हैं तो b क्या आ जाएगा 2, तो b आ गया 2, और जब a की वैल्यू 2 रखेंगे इस इक्वेशन में तो b की वैल्यू आ जाएगी 5, तो ये आ गया 5। तो a की वैल्यू आ रही है 5 एंड 2 और b की वैल्यू आ रही है 2 एंड 5। अब हमें निकालना है a माइनस बी एंड b माइनस ए, तो a माइनस बी हमारे पास क्या आ रहा है, अगर पहला 5 और 2 लें तो 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, और b माइनस ए क्या आ रहा है हमारे पास, b माइनस ए करते हैं, या फिर दूसरा a माइनस बी करते हैं विथ सेकेंड एलिमेंट, तो a माइनस बी व्हेन a इज 2 एंड b इज 5, तो ये आ जाएगा माइनस 3। बट मॉड के अंदर हमारे पास दे रखा है वैल्यू कि a माइनस बी मॉड क्या होगा, तो अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आएगी 3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो c ऑप्शन में दे रखा है 3, तो मॉड ऑफ a माइनस बी इज 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3, 2, 4, 9, 7, 13 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 9 प्लस एक्स एज 0 एज एन आइगन वैल्यू। तो हमें आइगन वैल्यू को 0 करना है और x निकालना है। तो आइगन वैल्यू 0 कब होता है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो इसके अंदर हमारे पास दे रखा है कि एक आइगन वैल्यू है वो जीरो है, हैज़ जीरो। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू निकालते हैं, सपोज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो अगर कोई एक जीरो है तो यानी कि सारे जीरो हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए।
तो अब हम क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को इस जीरो से इक्वेट करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हमारा ऑप्शन में मैच होना चाहिए। तो चलिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए हम सिंपल सा रो वाइज ओपन करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए 3 into एलिमेंट हो गया हमारे पास 7 into -9+x -13 -4, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये है हमारे पास पहला। फिर आया -2 into, अब 2 लेंगे तो इसको और इस रो को हटा देंगे, तो 2 के अंदर हमारे पास आएगा 9 into -9+x, फिर आएगा -6 into 13, फिर आएगा +4, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं आप। तो ये चारों एलिमेंट बच गए हमारे पास, ये चारों एलिमेंट क्या बचा, ये है हमारे पास 4 into 9 -4 और -6 into 7। तो ये आया हमारे पास, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 बाहर है, ब्रैकेट में आया, ये है 9 और -9+x है, तो -9 into 7 -63+7x, ये आ गया माइनस और माइनस ये आ जाएगा प्लस, और 13 into 4 आ जाएगा 52। -2 into ये हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 2 बाहर है, तो 2 के साथ ये वाला एलिमेंट तो यहाँ तक हो गया। अब ये -2 into -99 = 81 +9x -+6 into 13, ये आ रहा है हमारे पास 78 +4 into -36 +42। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए यहाँ से ध्यान से देखिए, 3 into ये आया -63 + 52, ये आ जाएगा हमारे पास 8 और 3 11, तो ये आ गया -11 + 7x, ये 3 पूरे के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ से यहाँ तक -2 into ये आ गया 78 और -81, तो 78 - 81 आ जाएगा हमारे पास -3 + 9x और +4 into 42 में से अगर -36 करते हैं तो याद है 6 into 6। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा हमारे पास 33, तो ये आ गया -33 और 7 into 3 +21x, ये आ रहा है हमारे पास -6, तो ये आ जाएगा +6 और ये आ रहा है -2 into 9x, दैट इज -18x और +24, ये हमारा किसके इक्वल है, ये हमारा 0 के इक्वल है सब। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा, देखिए 21x -18x, ये आ रहा है 3x और ये आ रहा है ये 24 + 6 = 30 और -33, तो ये आ रहा है -3 = 0। तो x हम बोल सकते हैं 3x = 3 और x = 1। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 1 आई है, तो x की वैल्यू यहाँ बी ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू टू जेड क्यूब बी मॉड ऑफ जेड क्यूब वेयर जेड इज अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक इज. तो इसके अंदर क्या निकालना है हमें, जेड दे रखा है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है. तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसके अंदर रियल एज वेल एज इमेजिनरी टर्म दोनों हो. तो लेट अस अज्यूम कर लेते हैं कि लेट जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके अंदर ये रियल है और ये इमेजिनरी टर्म है. तो रियल और इमेजिनरी टर्म हम इसको एफ जेड में सब्सटीट्यूट करते हैं और एनालिटिक के अंदर, एनालिटिक का मतलब है कि फंक्शन ऑफ यू अपॉन एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई, और इसको बोल देते हैं वी, ऐसे लिख देते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई आर इक्वल. अब यू और वी क्या है, यू हमारे पास है रियल टर्म और ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म है. तो इन दोनों को इक्वेट करके हम वी की वैल्यू निकालेंगे. तो v की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले z को हमने क्या अज्यूम किया है, x प्लस आयोटा वाई. तो fz लिख देते हैं, fz जो होगा वो होगा हमारे पास 2z क्यूब. तो 2 इंटू जेड क्यूब, z की जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस आयोटा वाई का क्यूब प्लस b मॉड ऑफ z. तो मॉड ऑफ z अगर हम निकालते हैं तो ये देखिए मॉड ऑफ z आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो मॉड ऑफ जेड का क्यूब है तो मॉड ऑफ जेड हमारे पास आ गया, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट पावर वन बाई टू, और इसका क्यूब करेंगे तो थ्री बाई टू आ जाएगा. तो बी रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा थ्री बाई टू. तो ये हमारे पास इक्वेशन आया जब हमने जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई यानी रियल प्लस इमेजिनरी टर्म सब्सटीट्यूट किया. तो अब देखिए इसी के अंदर a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे. तो a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई. तो थ्री एक्स स्क्वायर वाई का मतलब हो गया हमारे पास इस टाइप से, हमने आयोटा पहले लिख दिया, प्लस थ्री इंटू आयोटा वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई क्यूब प्लस बी एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थ्री बाई टू. ये वाई है यहाँ पे. अब इसको ओपन करेंगे. ओपन करने के लिए हमारे पास दे रखा है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, हमें पता होनी चाहिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसको ओपन कर रहे हैं. तो ये हो गया एक्स क्यूब प्लस थ्री आयोटा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन. तो माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री वाई स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा इक्वल्स टू हमारे पास माइनस वन है तो आयोटा क्यूब है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको माइनस आयोटा वाई क्यूब और प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट पावर थ्री बाई टू एज इट इज. अब इसको ओपन कर देते हैं और रियल टर्म और इमेजिनरी टर्म को सेपरेट कर देते हैं. तो रियल और इमेजिनरी टर्म को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे पहले इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उसको ओपन कर देते हैं, क्योंकि ये देखिए टू से मल्टीप्लाई था यहाँ तक और ये हमारे पास बी अलग है और ये हमारे पास टू वाला टर्म है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ रहा है टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स आयोटा एक्स स्क्वायर वाई माइनस सिक्स वाई स्क्वायर एक्स माइनस टू आयोटा वाई क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस पावर थ्री बाई टू. तो ये देखिए हमारे पास ये टर्म आया. अब इसके अंदर हम u और v क्या लेंगे. तो u के अंदर हमारे पास ये देखिए पहले हम इसको अलग अलग कर देते हैं रियल टर्म को. तो ये हमारे पास आ रहा है टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स वाई स्क्वायर एक्स प्लस बी
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस द पावर 3/2, ये हमारे पास आ रहा है u, और इसी के आगे लिख दे रहे हैं v के अंदर 6 iota x square y, और हमारे पास आ रहा है -2 iota y cube. तो ये हमारे पास u और v, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये हमारे पास u है और ये v है, क्योंकि u हमारे पास रियल टर्म है और v हमारे पास इमेजिनरी टर्म है, क्योंकि इसके साथ iota आया है। अब हमें इसको यूज़ करना है, डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स हमारे पास ये वाला टर्म है, तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालते हैं, तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे देखिए, 6x² - 6y² प्लस, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन अब इसका करना है, तो b इंटू 3/2 इंटू x² + y² रेस द पावर 3/2 माइनस 1 होगा, तो यह आ जाएगा 1/2 × 2x। तो ये हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स ये आ रहा है 6x² - 6y² + bx, ये 2 कैंसिल हो गया, तो b 3bx हो जाएगा, 3b × x, और ये है हमारे पास x² + y² raised to the power 1/2। ये हमारे पास डेल यू बाई डेल एक्स आया। अब सिमिलरली हम डेल वी बाई डेल वाई निकालते हैं, तो ये हमारे पास वी है जो इमेजिनरी टर्म है, तो वी के लिए हम आई हटा देते हैं, क्योंकि इमेजिनरी टर्म के साथ तीनों मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लिख देते हैं डेल, पहले वी लिख देते हैं, तो वी हमारे पास आ रहा है 6x² y - 2y³, तो डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू आ रहा है 6x² - 6y² तो यहाँ पे ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो हमें निकालना है एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन में डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई होता है, यानी कि इक्वेशन 1 इक्वल्स टू इक्वेशन 2। जब इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करेंगे या इक्वल करेंगे, तो हमारे पास देखिए ये हमारे पास आ रहा है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए 6x² - 6y² और यहाँ पे भी आ रहा है 6x² - 6y², तो दोनों को इक्वल करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे या जीरो हो जाएंगे, तो जीरो होने के बाद हमारे पास ये वाला जो टर्म बचेगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो 6x² - 6y² + 3bx × x² + y² 1/2 = 6x² - 6y² तो यहाँ पे देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, सिर्फ 3x² + y² raised to the power 1/2, ये इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिएगा सारे इक्वल टू जीरो हैं, तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन fz इज एनालिटिक इज जीरो, तो ये हमारे पास जीरो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रैंडम वेरिएबल x एंड y आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू f ऑफ x y, और हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है वो x प्लस y विद इन द रेंज 0 से 1 के बीच में x है और 0 से 1 के बीच में y है और 0 अदरवाइज दे रखा है। उसके बाद पूछा है द प्रोबेबिलिटी पी एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 इज, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो अगर मैं इसको मैं इस फॉर्मेट में लिखूँ प्रोबेबिलिटी को x प्लस वाई लेस देन 1, तो इस टाइप से कुछ आएगा इसका वेव फॉर्म, जहाँ पे ये हमारे पास x है और ये y है, ये वैल्यू आ जाएगी 1,0 और ये वैल्यू आ जाएगी 0,1, क्योंकि हमारा 1 से कम है। अगर हम लिमिट देखें x और y की, तो x की लिमिट हमारे पास कहाँ है, 0 से 1 तक है, और y की लिमिट भी 0 से 1 तक है, तो इस लिमिट को इंटरचेंज करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका
फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द रेंज 0 to 1 and 0 to 1। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको निकालने के लिए ये हमारे पास आ रहा है, अगर हम ये y की लिमिट मानते हैं और ये x की लिमिट मानते हैं तो हमारे पास आएगा फंक्शन एफ एक्स डी एक्स एंड डी वाई, या डी वाई इंटू डी एक्स, क्योंकि हमने लिमिट पहले y की रखी है अंदर और फिर x की रखी है बाहर। तो इस तरीके से अब हम लिमिट चेंज कर लेते हैं कि x की वैल्यू, अगर यहाँ पर देखिए x प्लस वाई हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू 1 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 माइनस x और लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस x। तो लिमिट के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे देखिए x की लिमिट 0 टू 1 तो 0 टू 1 रख दिया, y की लिमिट 0 से 1 माइनस x तक, फिर फंक्शन क्या दे रखा है हमारे पास x प्लस y और इंटू डी वाई एंड डी एक्स। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट फंक्शन आया। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए देखिए पहले इंटरनल पार्ट को ले लेते हैं, इंटरनल पार्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास आता है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो हमारे पास आता है एक्स वाई, और वाई डी वाई का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आता है वाई स्क्वायर बाई टू, और इसकी लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 से 1 माइनस एक्स तक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाहर हमारे पास जो लिमिट है वो चल रहा है एज इट इज 0 से 1 इंटू डी एक्स। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन एज इट इज आया 0 टू 1। अब यहाँ पर रखेंगे y की जगह 1 माइनस एक्स, तो x इंटू 1 माइनस एक्स, और अगर 0 रखते हैं तो 0 वाली लिमिट, जैसे y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली हम y की जगह लिमिट रखते हैं 1 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और y की जगह अगर 0 रखते हैं लोअर लिमिट तो ये हमारे पास 0 आएगा। तो फाइनली ये लिमिट आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन, इस लिमिट को सब्सटीट्यूट करने के बाद, और ये हमारे साथ आ रहा है डी एक्स के साथ। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और फाइनली हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 0 टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और इंटू 2 पहले से ही है, यहाँ पे 2 ऑलरेडी था, और इसका लिमिट 0 टू 1। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं अपर लिमिट रख के, तो अपर लिमिट रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1/3, और अपर लिमिट अगर 1 रखा तो ये टर्म आ गया 0, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0 माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में क्या है हमारे पास 0, तो ये टर्म आ जाएगा 0, और ये टर्म भी 0, और ये टर्म हमारे पास आएगा जैसे 0 रखते हैं तो ये आएगा हमारे पास 0 रखेंगे तो 1 माइनस एक्स क्यूब यानी 1/6। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा हमारे पास 3, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो 3 to the 6 और 3 - 1 तो 1/6, और ये आ रहा है माइनस ऑफ माइनस 1/6 तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 2/6। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 2/6 या 1/3, that is equals to 0.333। तो ये हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ रही है ये आ रही है 0.33। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है, जो प्रोबेबिलिटी 0.33 आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।